हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति अवस्थी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट लेके आई हूँ, जो कि अगर आपके फेस पे एक्ने वगैरह या टाइनी बम्स हैं तो ये प्रोडक्ट है जो बहुत ही इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। तो आज मैं जो रिव्यू करने जा रही हूँ वो है एक्टे का ये स्किन परफेक्शन जेल। इस तरह के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में ये मुझे रिसीव हुआ था। तो ये मुझे जो है अमेजोन से मैंने इसे परचेज़ किया है। इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो है 1299 रुपीज़, यानी 1300 रुपीज़ है। जी हाँ, ये थोड़ा प्राइजी है। 24 मंथ की सेल्फ लाइफ है इसकी। ये है स्किन परफेक्शन जेल और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं वो है टी ट्री, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, कैम्फर यानी जो हम कपूर बोलते हैं वो, और नटमेग, और विटामिन सी और विटामिन ई। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए गए हैं जो कि बहुत ही हेल्प करते हैं हमें एक्ने को रिड्यूस करने में। और विटामिन सी जो होता है वो हमारे एक्ने के जो स्कार्स वगैरह होते हैं उससे रिड्यूस करते हैं, ब्लेमिशेस या फिर जो भी पिगमेंटेशन वगैरह हमारे फेस पे होते हैं उसे भी ये कम करते हैं। इसमें कोई पैराबिन नहीं है, कोई भी इसमें फ्रेग्रेंस नहीं है। और ये जेल कुछ इस तरह के जो है प्लास्टिक कंटेनर में आता है, जिसमें कि आपको एक इस तरह का कैप दिया गया है जिसे आप ओपन करके इस पंप को प्रेस करके जो है आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। और फिर इस कैप को जो है आपको इस तरह से लगा देना है। तो फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट जो है मैं यूज़ कर रही हूँ 1-1.5 महीने से और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आपके पिंपल्स को बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर देता है ये। आप डे नाइट दोनों टाइम यूज़ कर सकते हैं, पर नाइट में यूज़ कीजिए तो ज़्यादा आपको ज़्यादा टाइम के लिए आपके फेस पे ये रहेगा और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा। तो इसे मैं कैसे यूज़ करती हूँ, तो मैं इसे नाइट में लगा लेती हूँ। जो जहाँ भी मुझे पिंपल्स होने वाले होते हैं वहाँ पे आपको फिंगर से इसे लगा लेना है, या फिर आप पूरे फेस पे इसे अप्लाई कर सकते हैं और स्लीपिंग जेल की तरह जो है आप इसे लगाकर सो जाइए। ये जो है आपके अंडर आई में जो है डार्क सर्कल उसको भी रिड्यूस करता है और आपके जो पोर्स हैं उसे भी मिनिमाइज़ करता है। तो मैं खुद भी काफ़ी डिफरेंस देख सकती हूँ अपने स्किन में इसे यूज़ करने के बाद। मुझे पिंपल्स बहुत ही कम हो रहे हैं। पहले तो मुझे 5-10 दिन में ही बहुत बड़े बड़े पिंपल्स यहाँ नोज़ के अराउंड में आ जाते थे। मैं अगर आपने मेरे पीछे के वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपने कई वीडियो में देखा होगा कि मेरे नोज़ के पास में पिंपल्स ज़रूर आ जाते हैं। तो उसे काफ़ी इसने रिड्यूस किया है। तो ईज़िली ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ये ऑयल फ्री है, यानी बिल्कुल भी ऑयली या ग्रीसी आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। वाटर जैसा है ये। आप स्प्रेड करेंगे इजीली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाने वाला है। और इसके जो बेनिफिट्स लिखे गए हैं पीछे वो भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। तो वो है एक्टिव कूलिंग, रिड्यूस एक्ने एंड टाइनी बम्प्स। जी हाँ, तो ये बहुत ही कूल फील होता है जब आप इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, काफ़ी कूलिंग इफेक्ट आपको लगेगा। और जो टाइनी बम्प्स आपके, मतलब मेरी स्किन खुद भी टेक्स्चर्ड स्किन है, काफ़ी टाइनी बम्प्स मेरे फॉरहेड वगैरह पे छोटे छोटे रहते हैं और गर्मियों के टाइम में तो ज़्यादा ही वो फेस पे दिखते हैं, बट इसे लगाने के बाद अब मेरे फेस पे कोई टाइनी बम्प्स नहीं हैं और काफ़ी स्मूथ मेरी स्किन लग रही है। और सेकंड जो है इसमें लिखा है कि कंट्रोल्स बैक्टीरिया। तो इसमें ये भी लिखा है कि ये आपके फेस पे जो भी बैक्टीरिया होते हैं जिससे पिंपल्स होते हैं वो कंट्रोल करता है, और सीबम भी कंट्रोल करता है जिससे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं लगेगी आपको। और ये आपकी स्किन को यूथफुल और ग्लोइंग भी बनाता है। और इसमें लिखा है कि परफेक्ट स्लीपिंग पैक फॉर सूदिंग एंड रिलैक्स्ड स्किन। तो ये आप जब स्लीपिंग पैक की तरह यूज़ करें तो आपकी स्किन को काफ़ी रिलैक्स करता है ये, और मिनिमाइज एंड टाइटन स्पोर। तो मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है और मेरे नोज़ पे और यहाँ चिक्स के अराउंड में काफ़ी लार्ज पोर्स हैं, तो मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है उन पे क्योंकि मेकअप वगैरह करते हैं तो पोर्स अगर बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसे यूज़ करती हूँ तो मैंने अपने अंडर आई में भी कोई जेल वगैरह में यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसे ही अपने फेस पे लगा लेती हूँ मैं। और मेरे पोर साइज़ भी काफ़ी मिनिमाइज हुए हैं आप देखेंगे तो, और नोज़ वगैरह के और जो भी चिक्स पे रहते हैं, और डार्क सर्कल भी कम हुए हैं क्योंकि मैं कोई भी अंडर आई क्रीम भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसे ही मैं यूज़ कर रही हूँ। और बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है ये। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं इससे क्या करती हूँ, अपने हाथ पे इस तरह से ले लेती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। और ये बिल्कुल जेल जैसा है, वाटर जैसा। और फिर इसे मैं इस तरह से लेके जहाँ भी मुझे पिंपल्स वगैरह हैं, अगर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो मैं अलग अलग फिंगर से इसे जो है अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ, या फिर मैं अपने पूरे फेस पे इसे रात को अप्लाई करके सो जाती हूँ। और ये आपकी स्किन में जो है ना बिल्कुल ही ईजीली मिक्स हो जाता है क्योंकि ये बिल्कुल वाटर जैसा है, बहुत ईजीली ये मिक्स हो जाता है और काफ़ी कूलिंग इफेक्ट आपको फील होता है जब आप इसे अप्लाई करते हैं।
तो ये प्रोडक्ट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा मुझे। प्राइस में थोड़ा ज़्यादा है और मुझे भी बार बार पिंपल्स हो रहे थे, तो जब भी पिंपल्स होते हैं 2 से 4 दिन तो उसे ट्रीट होने में लग ही जाते हैं, क्योंकि मुझे पूरे फेस पे पिंपल्स नहीं होते, सिर्फ नोज़ के अराउंड में ही पिंपल्स होते हैं। तो वो पिंपल्स अगर हो गए तो 2-4 दिन उसे ड्राई होने में, और उसके स्कार्स भी हो जाते हैं। इसे मैं जब से यूज़ कर रही हूँ तब से जो है पिंपल्स, अभी भी आए हैं पिंपल्स, पर 2 महीने में एक बार ही मुझे पिंपल्स हुआ है अभी, अदरवाइज़ मुझे हर 10-15 दिन पे पिंपल्स हो रहे थे। तो ये मुझे बहुत ही पसंद आया और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी इसे। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह हैं, टाइनी बम्प्स हैं, तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें, और ओवरनाइट ये आपके पिंपल्स को जो है ट्रीट कर देता है। कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे फेस पे अगर लग रहा है कि मुझे यहाँ पिंपल्स होने वाला, मैंने जैसे रात को अप्लाई कर लिया तो मॉर्निंग में जब मैं उठ के देखती थी तो बिल्कुल पिंपल्स आता नहीं था, और उसे अच्छी तरह से ये ट्रीट कर देता था। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। और एक बात और मैं बता दूं कि आप पैच टेस्ट करके इसे भी ट्राई कीजिए, क्योंकि ये इसमें लिखा गया है कि थोड़ी इरिटेशन आपको स्किन पे हो सकती है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट है और इसका कलर भी चेंज हो सकता है, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट जो होते हैं वो आप रखते हैं तो थोड़े दिनों बाद उसके कलर चेंज हो जाते हैं। तो इसमें ये लिखा गया है कि माइल्ड इरिटेशन माइट अकर ऑन द स्किन ड्यू टू नेचुरल एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स, अवॉइड यूजिंग इट ओवर द आइज। तो आपको अंडर आई में यहाँ तक ही यूज़ करना है, आपको आँखों के ऊपर इसे मसाज नहीं करना है, और थोड़ा इरिटेशन अगर होता है तो भी चलेगा क्योंकि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। बट मुझे कोई भी इरिटेशन मेरे फेस पे नहीं हुआ, क्योंकि मेरी भी स्किन बहुत सेंसिटिव है, पर इसे अप्लाई करने के बाद मुझे कोई इरिटेशन फील नहीं हुआ है और ये काफ़ी इफेक्टिव लगा मुझे। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें, आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। थैंक यू वेरी मच।